जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं नई जानकारियों के साथ फिर से उपस्थित हो गई हूं आप सभी किसान भाई बहनों के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन व्यवसाय स्थापित करने के लिए मिलता है लागत का 40% अनुदान। गुणवत्ता युक्त फसल के लिए आवश्यक है मिट्टी जांच। दवा छिड़काव के काम को आसान करता है बैटरी चालित स्प्रेयर। राज्य के किसान मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधुमक्खी कॉलोनी, मधुमक्खी छत्ता, मधु निकासी यंत्र इत्यादि के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन लागत का 40% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। झारखंड राज्य बागवानी मिशन राज्य में बागवानी से जुड़े किसानों के लिए कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए उसमें लगने वाले उपादानों जैसे मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी कॉलोनी और एवं मधु निकासी यंत्र इत्यादि की खरीद एवं स्थापना के लिए परियोजना लागत का 40% राशि अनुदान देती है। शेष 60% राशि किसान को स्वयं ही वहन करना होता है। अच्छे फसल उत्पादन के लिए समय समय पर खेत की मिट्टी की जांच कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सही उत्पादन लेने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक तभी प्रयोग कर सकते हैं जब मिट्टी की उर्वरता का सही ज्ञान होगा। जांच से ही मिट्टी में पोषक तत्वों के सही प्रतिशत मान का पता चलता है, साथ ही मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का भी पता चलता है, जिससे हम उचित खाद, उर्वरक, मृदा सुधारक और उचित फसल का चुनाव कर सकते हैं और अच्छी मात्रा में गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त कर सकते हैं। 16 आवश्यक तत्व है जो कि हमारे पौधे को आवश्यक होता है, और ये तभी पता चलेगा जब हम मिट्टी का जांच करवाएंगे, और मिट्टी जांच करवाने से ये पता चलेगा कि किस आवश्यक तत्व की कमी है और किसान उसी आवश्यक तत्व को अपने खेतों में डालें, इसलिए मिट्टी का जाँच करवाना बहुत ही आवश्यक है। किसान टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए टमाटर के उन्नत प्रभेद स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा नामक प्रभेदों का चयन करें तो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। ये किस्में मुरझा रोग रोधी होने के साथ ही ज्यादा मात्रा में और गुणवत्ता युक्त फलन देने में सक्षम है। स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन और अर्का आभा ये नाम है टमाटर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद मुरझा रोग रोधी होने के साथ अन्य पारंपरिक टमाटर के प्रभेदों की तुलना में अधिक उपज देते हैं। 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल की टमाटर की उपज पाई जा सकती है। टमाटर के लिए उन्नत किस्म जो मुरझा रोग से प्रतिरोधी है, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा, इसकी आप खेती करें जो मुरझा रोग से प्रतिरोधक है। विभिन्न फसलों को लाही कीट ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। मौसम के वर्तमान परिस्थिति में फसलों में लाही कीट लगने की संभावना ज्यादा रहती है। लाही कीट से फसल को बचाने के लिए कृषक हमारे विशेषज्ञों द्वारा बताई गई तकनीक का इस्तेमाल कर लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, लाही एक बहुत ही कमज़ोर कीड़ा है, इसको अगर ठंडे पानी से आप स्प्रे कर दें तभी यह मर जाता है, लेकिन आप कोशिश करें कि खेत में प्रतिदिन आप जाकर देखें और जहां भी दो चार पौधों में भी लाही आता है तो कोई भी सिस्टमिक दवा जो सिस्टम में जाने वाला है, जैसे आपका डाइमिथियोएट है या फिर मेटासिस्टॉक्स है या फिर आपका इमिडाक्लोप्रिड है, तो ऐसी दवा इमिडा अगर लेते हैं तो 1 मिलीलीटर और मेटासिस्टॉक्स या डाइमिथियोएट लेते हैं तो 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दीजिए तो आपका लाही से बचाव हो जाएगा। फसलों पर विभिन्न प्रकार के तरल दवाओं का छिड़काव आमतौर पर कृषकों को करना होता है। दवा छिड़काव के कार्य को बेहतर तरीके से करता है ये बैटरी चालित स्प्रेयर। ये स्प्रेयर तरल दबाव का फसलों पर उच्च दाब पर छिड़काव करता है। ये दवा को एक समान पूरे फसल पर फैलाता है।
जिससे दवा की बर्बादी नहीं होती है। चूंकि ये अंतर बैटरी से चलता है, इसलिए दवा छिड़कने में श्रम भी बिल्कुल नहीं लगता। इसका बैटरी रिचार्जेबल होता है। एक बार चार्ज करने पर लगभग 10 से 12 घंटे तक इससे काम लिया जा सकता है। आज के कृषि समाचार के इस अंक में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो आइए इनसे मिलकर जानते हैं इनकी सफलता का रहस्य। खेती वैज्ञानिक ढंग से करने का प्रयास करता हूं। पहले तो वैज्ञानिक ढंग से खेती नहीं करता था, लेकिन अब धीरे धीरे प्रचार हो रहा है। प्रचार के माध्यम से हम लोग भी उस ओर झुक रहे हैं, झुकाव हो रहा है और खेती हम लोग कर रहे हैं। खेती में हम लोग धान, गेहूँ, सरसों और तिलहन इत्यादि साग सब्जी ये सब की खेती करते हैं और इससे बहुत फायदा भी है, आर्थिक भी है और बेरोजगारी दूर करने का माध्यम भी है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 27, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 27, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 26, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 28, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 25, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि हो सकती है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम, न्यूनतम 2100, अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम, न्यूनतम 2400, अधिकतम 4200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600, अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10100, अधिकतम 11900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 5400, अधिकतम 6500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4400, अधिकतम 5600 रुपए। चीनी न्यूनतम 2750, अधिकतम 3900 रुपए। आलू न्यूनतम 750, अधिकतम 1000 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1700 रुपए, अधिकतम 1900 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। तो आगे जानकारी हम और बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मिट्टी के जांच से क्या क्या फायदे होते हैं। अलग अलग खेतों में अलग अलग उर्वरक की जरूरत होती है। अगर हम मिट्टी जांच करके उसके बाद खेती करेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा हो सकता है, उससे ज्यादा पैदावार होगी। तो आइए हम इसी के बारे में आज जानकारी लेंगे अपने विशेषज्ञ डॉक्टर शशि भूषण कुमार से, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। सरकार के सहयोग से
आज कृषि क्षेत्र में आधुनिक क्रांति का संचार हो गया है। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा निरंतर चल रहे प्रयोगों से आज किसान अपनी फसल से दुगुना तीन गुना उपज प्राप्त कर रहे हैं। पारंपरिक के साथ साथ आधुनिक तरीके से खेती करना, मिट्टी जांच का महत्व, अनुशंसित बीजों का चयन एवं उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जैसी बुनियादी बातें आज कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जा रही हैं। इसके लिए समय समय पर सरकार द्वारा किसानों के लिए कृषि संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसका लाभ किसान खेती में करते हैं। अगर झारखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ की मिट्टी अम्लीय होने के कारण किसानों को फसलों के खेती में ज्यादा उपज प्राप्त नहीं हो पाता, मगर वैज्ञानिक विधि अपनाकर हम अपने मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। इसके लिए खेत के मिट्टी के नमूनों को एकत्रित कर कृषि विद्यालय में देकर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी है। मिट्टी जांच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में हम लोग मिट्टी का नमूना लिए हैं जगह जगह कहीं कहीं जाकर, और इसमें देखा गया है कि हमारे मिट्टी में नेत्रजन की कमी पाई गई है, फॉस्फोरस पोटास की कमी तो पाई ही गई है, साथ में बोरन और जिंक का भी कमी हम लोग देखे हैं। तो और किस खेत में कितना कमी है ये तभी पता चलेगा जब किसान अपने खेतों की के मिट्टी का नमूना लेकर प्रयोगशाला में इसका जांच करवावें। आमतौर पर मिट्टी में नेत्रजन, फास्फोरस, बोरोन, पोटास एवं जिंक जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, मगर झारखंड में 50% से ज्यादा मिट्टी अम्लीय है, अतः इसमें पोषक तत्वों की भारी कमी होती है, जिसके कारण किसानों को अपने फसलों से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि 3 से 4 क्विंटल बुझा हुआ चूना, जो कि राज्य एवं प्रखंडों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, खेत में प्रति हेक्टेयर के दर से भुरकाव करना फायदेमंद रहता है। हमारे झारखंड राज्य की मिट्टी में अम्लीयता का प्रतिशत है ज़्यादा है, यानी कि 5.5 से भी कम अम्लीयता यहाँ देखा गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग किसान भाइयों को बोलते हैं कि चूना का प्रयोग करें। चूना का प्रयोग करने के पहले एक बात मैं अवश्य बोलूँगा कि बुझा हुआ चूना होना चाहिए, क्योंकि बुझा हुआ चूना से ही अम्लीयता कम होती है। और ये चूना हमारे राज्य में अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है। हमारे हम लोग अभी राज्य में, प्रखंड में कभी कभी भ्रमण करने जाते हैं तो हम लोग ने देखा है कि ब्लॉक में बहुत सारा चूना रखा हुआ है। हमारे किसान को पता नहीं है, किसान भाइयों को, कि इस चूना से क्या फ़ायदा है। अगर हमारे किसान भाई इस चूना को ले जाकर अपने खेतों में डालें तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है। एक मोटे तौर पे 3 से 4 क्विंटल जो चूना है इसे प्रति हेक्टेयर दें तो हमें फायदा हो सकता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए मिश्रित खेती करना चाहिए। प्राथमिकता के तौर पर किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाना चाहिए। मिट्टी का नमूना लेने के लिए किसान अपने खेत का चुनाव करें। इसके उपरांत खेत के किसी भी स्थान का 4 से 5 जगह का खरपतवार हटाकर कुदाल से वी आकार में मिट्टी को काट लें। 6 इंच तक की मिट्टी नमूना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नमूना लेते समय मिट्टी को साफ कपड़े या पॉलिथीन में रखना चाहिए। इसी प्रक्रिया को खेत के चारों तरफ की मिट्टी लेने में करना होता है। फिर जमीन में मिट्टी को रख कर सबको मिश्रण कर देना चाहिए। मिट्टी को जमीन में फैलाकर उसमें क्रॉस का निशान बनाकर आमने सामने की मिट्टी को हटाकर अगल बगल मिट्टी को मिलाते हुए यह प्रक्रिया हमें तब तक करना चाहिए जब तक हमारी मिट्टी 500 ग्राम तक ना हो जाए। इसके उपरांत मिट्टी को साफ कपड़े में रख कर अपना नाम पता लिख कर लैब में दे देना चाहिए। किसान भाई, जैसे कोई 1 एकड़ का खेत है, हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हम लोग बोलते हैं, जो कि आपके पूरे खेत का आधार बने कि खेत का एक एवरेज न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है। इसके लिए हम लोग 5-6 जगह खेत में रैंडमली, जिसको बोलते हैं कि कहीं कहीं से, जैसे चारों कोना एग्जैक्ट नहीं ले, यानी कहीं कहीं
यानी कि पूरे खेत का रिप्रेजेंटेशन हो जाए, 5-6 जगह खेत में चारों तरफ से नमूना ले लें। सबसे पहले तो ऊपर अपने जो घास है उसको हटा दें, उसके बाद भी आकार का वो शेप बना लें और ऊपर से नीचे तक मिट्टी को जो स्लाइस ब्रेड होता है ना ब्रेड, उस तरह से खरोंच लें। मतलब ये है कि 6 इंच जो ऊपर से गहरा 6 इंच का मिट्टी का वो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और उस नमूने को एक जितने भी मिट्टी है उसको साफ कपड़ा पे रख के या साफ पॉलीथीन पर रख के अच्छी तरह से मिक्स कर दें, मिला दें उसको और उसको ऐसे इस तरह से क्रॉस कर दें और एक आमने सामने की मिट्टी को हटा दें और जो दूसरा मिट्टी है उस आमने सामने का बचा उसको मिक्स कर दें, फिर उसी तरह से फिर क्रॉस करें और फिर उसके अपोजिट से जब पिछले बार जो हटाए थे उसके अपोजिट से अब हटा दें मिट्टी को और अब इन दोनों मिट्टी को फिर मिला दें। इस तरह से मिलाते हुए और हटाते हुए इस प्रक्रिया को तब तक करते रहें जब तक कि मिट्टी अंत में 0.5 किलो से 1 किलो न बच जाए और उस मिट्टी को पॉलीथीन में रख दें और उस पर अपना नाम जरूर लिखें, तिथि जरूर लिखें, किस खेत की मिट्टी है ये जरूर लिखें, मतलब उसका ब्यौरा देकर तब उसे प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजें। मिट्टी जांच की महत्ता से हमें अवगत होना पड़ेगा जिससे हमारे फसलों के उपज में कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसे मिट्टी में 16 प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो मिट्टी जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि हमारी मिट्टी में कौन कितना प्रतिशत पोषक तत्व है। मिट्टी का स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए मिट्टी में गोबर खाद, कार्बनिक खाद देते रहना चाहिए। इन्हीं सब तकनीकों का प्रयोग कर हम अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य ठीक रख पाएंगे। मिट्टी जांच हमारे खेतों के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे खेतों में किसान भाई सिर्फ यूरिया डाल देते हैं और फसल ले लेते हैं, तो फसल जब हम लोग लेते हैं तो यूरिया में नेत्रजन होता है, नेत्रजन के अलावे फसल के साथ साथ पोटास, फॉस्फोरस, जिंक, सल्फर, बहुत सारे 16 आवश्यक तत्व हैं, ये सारा का सारा फसल के साथ हम मिट्टी से निकाल ले रहे हैं और डाल रहे हैं सिर्फ यूरिया, कुछ किसान पोटास भी डाल देते हैं और कुछ फॉस्फेट डालते हैं, तो सिर्फ ये 1-2 पोषक तत्व डालने से हमारे खेतों का जो मिट्टी का स्वास्थ्य है ये बना नहीं रहता, ये धीरे धीरे स्वास्थ्य इसका बिगड़ रहा है। तो इसीलिए हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि मिट्टी का जांच जरूर करवावे और जिन जिन पोषक तत्वों का कमी है उस पोषक तत्वों को मिट्टी में जरूर डालें, तभी हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य लंबे समय तक बना रहेगा। क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य अगर लंबे समय तक बना रहेगा तभी आप लंबे समय तक अच्छा उपज अपने मिट्टी से ले सकते हैं। तो आज मिट्टी के बारे में तो आपने जानकारी ले ली अपने विशेषज्ञ से, तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे लेकिन एक छोटा सा विराम लेंगे और तब तक देखिए आप ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जाड़े में बहुत ठंड लगती है और उसके वजह से रोग भी बहुत लग जाते हैं, तो जानवरों में भी तो रोग लगती ही है। आज हम जानेंगे कि बकरियों में होने वाले रोग और उसके क्या उपचार है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु सिंह, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है जाड़े में बकरियों में होने वाले बीमारी एवं उसके उपचार के बारे में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर हिमांशु सिंह, आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी,
डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है जाड़े के मौसम में बकरियों में होने वाले बीमारी या उपचार के बारे में, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जाड़े के मौसम में बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं और इसका उपचार हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे। ऐसा है कि जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की रीढ़ होती है। जाड़े में हमें थोड़े प्रबंधन में थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जाड़े में सर्द हवाएं चलती हैं, हवाओं में परिवर्तन होता रहता है, कभी तेज़ सर्द हवाएं चलती हैं, कभी ठंड का मौसम होता है, कभी तापमान अचानक से गिरता है, कभी तापमान उठता है। तो इस समय में सबसे ज़रूरी है कि हम प्रबंधन में थोड़ा फेरबदल करें, और प्रबंधन में फेरबदल के लिए हम पहले से एक खाका तैयार करके रखें। जैसा कि हम देखते हैं कि खास करके मेमनों में बकरी के जो बच्चे होते हैं इनमें जाड़े में मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है, और इस मृत्यु दर को कम करने के लिए हमें इस जाड़े के मौसम को मिनिमाइज़ करने के लिए, कमतर करने के लिए हम अगर थोड़ी बहुत परिवर्तन कर दें, जैसे इन मेमनों को रखने के लिए जो घर होता है, हम देखते हैं कि बकरियों के लिए हवादार और खुले खुले घर के बारे में हम बात करते हैं। तो जब खुला खुला घर होता है उसमें सर्द हवाओं में सर्दी की वजह से इनमें सांस की बीमारियां और तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इनकी रोकथाम के लिए अगर खुले जगहों को हम बोरा या कपड़े या प्लास्टिक से अगर हम घेर लें तो इन सर्द हवाओं को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्द हवाएँ नहीं चल रही हैं, केवल ठंड का मौसम है, तो उसमें अंदर में उसके कमरे में वातावरण को गर्म करने के लिए हम ब्लोअर या हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें सावधानी ये बरतनी होती है कि उसको इन मेमनों से के पहुंच से दूर रखा जाए, नहीं तो वो तार को कुतर देते हैं और इसके संपर्क में आने से उनमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। इस तरह से अगर हम जाड़े में इंतजाम करें, जाड़े में हम देखते हैं कि जो बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी हैं उनका भी रख रखाव और उनमें भी सक्रियता बढ़ जाती है कि वो पशुओं से खून चूसते हैं और वो अपना पालन पोषण करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम बकरियों के मेमनों को या वयस्क बकरियों को जब भी चरने के लिए निकालें, या प्रतिदिन के हिसाब से एक दिन दो दिन के अंतराल पे अगर हम उनको खुद से उनके बाह्य शरीर के का परीक्षण करें, जिससे कि पता चल जाए कि उनके रोयों में नम्रता है कि नहीं, उनके चमड़े सही हैं या रुखड़े हैं, उनके उनमें बाह्य परजीवी या अंतर परजीवी का प्रकोप कितना है, उनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पतला पखाना कर रहे हों, दस्त कर रहे हों, जिससे उनमें कमजोरी पनप रही हो। इस तरह से हम जाड़े के समय में बकरियों के और मेमनों को के रख रखाव में थोड़ा परिवर्तन करके, प्रबंधन में परिवर्तन करके मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं। जहाँ तक जाड़े के समय में बकरी में और मेमनों में बीमारी होने की बात है, तो बकरियों में सबसे ज़्यादा देखा गया है जाड़े में कोक्सीडियोसिस होता है, जो एक परजीवी जनित बीमारी है, और इसकी वजह से कोक्सीडियोसिस की वजह से बकरियां और मेमने पतला पखाना करती हैं, जिसमें खून रहित खून के साथ पखाना होता है, पतला दस्त होता है, तापमान बढ़ जाता है, कमजोरी आ जाता है और पशु चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, बच्चे मेमने चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है बायोसोल नामक दवा 5 से 7 दिन तक अगर चलाया जाए दिन में एक बार, तो इससे इस बीमारी को रोका जा सकता है। दूसरी बीमारी है इंटेरोटॉक्सीमिया। ये बीमारी जो है वो ज़्यादा खाने की वजह से होती है, क्योंकि जाड़े में खुराक बढ़ जाता है, अपने तापमान को सही रखने के लिए जो वयस्क बकरियाँ रहती हैं वो एनर्जी गेन करने के लिए ज़्यादा खाना खाती हैं अनाज के तौर पे, और अनाज जब उनके शरीर में जाता है ज़्यादा खा लेती हैं तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से विष का उत्पादन होता है, और विष के उत्पादन की वजह से पतला पखाना होने लगता है, डायरिया होता है और कमजोरी हो जाती है, नाक आँख से पानी आने लगता है, पेट फूल जाता है और मेमने चलने में असमर्थ महसूस करने लगते हैं। इस परिस्थिति को कम करने के लिए हम अगर विष का एंटीडॉट दें और एसिडोसिस को कम करने के लिए बायोकार्बोनेट 2 से 3 औंस पानी में मिला करके अगर ड्रेंचिंग कराएं, काढ़ा
काढ़ी से अगर हम उसको पिलाएं तो इससे एसिडोसिस को कम किया जा सकता है। तीसरी बीमारी है लेमिनाइटिस। लेमिनाइटिस जब हम अनाज का सप्लीमेंट देते हैं मेमनों में और छोटे बच्चों में या वयस्क में, तब हाई प्रोटीन डाइट की वजह से जो खूर और चमड़े का जहाँ मिलन होता है वहाँ पे सूजन हो जाता है और उस सूजन की वजह से पैर अकड़ जाता है, बकरियाँ चलने में असमर्थ हो जाती हैं, उनका खूर गर्म हो जाता है, तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। इसको कम करने के लिए हम लोग दर्द निवारक दवाएँ दे सकते हैं और जैसे मेलोनेक्स दे सकते हैं और इस बायकार्बोनेट को पानी में मिला करके उसको सेक सकते हैं। इस तरह से एक तीसरी बीमारी है जिसमें कि वाइट मसल डिजीज़ कहते हैं। इसमें जब हम छोटे मेमनों को या वयस्क बकरियों को सेलेनियम और विटामिन ई की कमी वाले भोजन देते हैं जिसकी वजह से वो उनका शरीर अकड़ जाता है और लकड़ी के घोड़े की तरह उनका शरीर अकड़ रहता है, वो चलने में असमर्थ हो जाते हैं, पैर और शरीर अकड़ जाता है, लकड़ी की तरह कड़ा हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम उसको सेलेनियम और विटामिन ए 68 इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लगाएं तो ये इससे हम बीमारी का उपचार कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को और क्या क्या सावधानियों के बारे में बताएंगे? अगर हम बकरियों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो सांस की बीमारी होती है, जो कि अमोनिया, जो हम देखते हैं कि बकरियाँ शुद्ध चारे पे और हरे घास पे रहती हैं जिसकी वजह से उनके पेशाब में बदबू आती है जिससे अमोनिया का उत्पादन होता है और अमोनिया से सांस लेने की तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को कम करने के लिए अगर हम लोग बकरी के घर को, आधे घर को अगर हम लोग बांस का मचान बना दें जो ज़मीन से 2 से 2.5 फीट ऊंचाई पे हो, जिसपे कि बकरियां रहकर और बैठे हैं, जिससे वहां से वो पेशाब करेंगी जो पेशाब बांस से नीचे चला जाएगा और उससे सांस की बीमारियों को हम 90% तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो खाज खुजली की बीमारी होती है, डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं, कि चमड़े में गीला रहने की वजह से उसमें तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, इसको भी हम कम कर सकते हैं और इस तरह से हम बकरियों से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी जाड़े में बकरियों में होने वाली बीमारी एवं उपचार के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। किसान भाई बहनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख लें, जिससे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।